NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम। कल लोलाब और चुनीगाम लोलाब में उस वक्त कोहरा मचा जब दो कमसिन बच्चे तालाब में गिरकर होने की वजह से उनकी मौत वाका हुई और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोगों ने चुनीगाम और देवर दौड़ना शुरू किया। वहीं आज अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमानी और चुनीगाम सरपंच गुलाम हसन डार, चुनीगाम सरपंच बी फयाज अहमद नजर, इंजीनियर मुद्दसर अहमद, गुलाम रसूल भट्ट, फयाज अहमद और मंजूर अहमद वानी ने लवा किंग के साथ इजहार हमदर्दी की और दुआई मगफिरत मांगी। उन्होंने कहा कि एक सदमा है और इस गम में हम इस गम में बराबर शरीक है और अल्लाह ताला लवाहीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब्दुल रहमानी ने एलजी डिजाइनर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से अपील की कि वो झारखंड की तरह यहां पर भी 4-4 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया जाए ताकि इन फैमिली की रास्त रसानी हो जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। और हम इस दुख में सारा लोलाब डूब गया जब हमने सुना कि इन दो गर्म के चश्म चराग जो छोटे बच्चे थे 7 साल का एक और 12 साल का दूसरा वो नहाते नहाते डूब गए क्योंकि यहाँ गर्मी की शिद्दत थी। एक्चुअली यहाँ फुकदान है, जो प्लानिंग यहाँ हुई है वो अच्छी नहीं हुई है क्योंकि एक ऐसा एक महले वाइज एक ऐसा बाथरूम सिस्टम होना चाहिए था जब गर्मी बढ़ जाती तो ट्यूबवेल लगना चाहिए था उनको नहाने के लिए एक सुविधा हो कि ये इतने खतरनाक पानी में न छलांग लगा सके। गर्मी की शिद्दत नहीं उन्होंने उधर पहुंचाया, न कोई मछली पकड़ने गए, न कुछ, ऐसे ही नहाने गए थे कि ठंडी पहुंच जाए क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी ज़्यादा और इन दो घरों को बेचारों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वानी साहब, जो शख्स ने इन तालाबों को बनाया था उस वक्त बहुत पिछड़ा हुआ कश्मीर था और लोलाब खासकर, उसने उस वक्त 93 टैंक्स बनाए यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ कोई पानी का वो सोर्स मैसर नहीं था जिससे ज़िरात का पानी हो जाए। उस दिन से आज तक गैर प्लानिंग की वजह से यह तालाब ऐसे ही रहने, इनकी फेंसिंग की गई, न इनको सिलट निकाला गया, न इनको नीचे रेत डाली गई। अगर रेत नीचे होती है, दलदल वाला मिट्टी जो होती है इसमें जो जाता है, बड़ा हो छोटे की बात ही नहीं है, बड़ा भी अगर हो जाए इसमें गिर जाए तो वो नीचे दलदल में घुसता जाएगा कि वो वापस नहीं आएगा। वहाँ इरीगेशन डिपार्टमेंट ध्यान तो दिया गया मगर जो उस वक्त के ड्राफ्टिंग हुई, जो उसको वो टोपोग्राफी उन्हें मखसूस कर दी, अधूरा सारा प्लान अधूरा रह गया। 8 करोड़ रुपये यहाँ, तकरीबन 16 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये यहाँ डेमो पर खर्च किए गए, जबकि डेमो पर 16 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अगर इन तालाबों को ठीक करने में, फेंसिंग करने में और भी कुछ पैसा लगाया जाता या उनमें से वो 16 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए, अगर आप डेमो पर चेक करने की आप उनको फोकस करेंगे तो उधर लगेगा आपको ये कोई छोटा टैंक है, डैम नहीं है और उनका फ़ायदा भी अभी लोलाब के लोगों को मैसर नहीं है। इन तालाबों को देखने को इरीगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है मगर ये जो यहाँ ये प्लानिंग जो होती है, जो जेईज या AEEs या ये करते हैं, वो पाई तकमील काम पहुँचाने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, वो थोड़ा बहुत पैच करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। उस प्लानिंग से कोई फ़ायदा लोलाब के लोगों को नहीं पहुँच पा रहा है, लिहाजा वक्त की ज़रूरत है। आपकी क्या मतलब मैसेज? जिस पैटर्न पर इस वक्त झारखंड में एक ढूंढने वाले को 4 लाख रुपया एक्सग्रेशा रिलीफ दिया गया, ये 10,000 रुपये कफन दफन के लिए जाने का, उसका माँ उसकी उसका बाप, उसकी माँ और उसके घर वाले जो छोटी बच्चियाँ होती है वो नानी शिबिन के मोहताज है। मैं ये डिमांड करता हूँ लोलाब की, कश्मीर के लोगों की तरफ से, खुदस लोलाब के खुदस अपनी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से डिमांड करना चाहता हूँ कि DC साहब आने वाले हैं यहाँ पे, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दो केसेस को, बहुत से पुराने भी हो गए, चलो उनका हो गया, जो आज के बाद ये ऐसा वाका पेश आएगा, आज से इन दो बच्चों को कम से कम 4-4 लाख रुपए रिलीफ मैसर रखा जाए जबकि ये गुजर बसर कर, इनके माँ बाप को कोई जीने का सहारा बन। करोड़ों रुपया उस पर लगा दिया गया। अगर ये फेंसिंग के लिए पैसे कुछ अलग फंड से रखते तो कोई बड़ा इशू नहीं था, उससे एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाते। तो अब भी हम रिक्वेस्ट, कल भी मैं गया था वहाँ पे, जो चंडीगाम की फैमिली, मैं शाम को ही आया डायरेक्ट मैं उनके घर पे, वो भी पस्त है और ये दोनों फैमिली, ये जो देवर की फैमिलीज है इनसे भी मैं मिला, ये भी काफ़ी पस्त है। तो मैंने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की लोगों की तरफ से, जो कि जनरल लोगों का जो कहना है और जो जनरल लोगों की भी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एटलीस्ट इनको एक एक्सग्रेशिया, जैसे कि रहीम साहब जो है यहाँ पे अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी अपील की अपनी पार्टी की तरफ से, हम भी यही है, हमारा तो इसमें कोई ना मकसद होगा ना कुछ होगा, विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट्स हम बोलते हैं कि इनके लिए जल्द से जल्द ऑन असिस्टेंस आप एक्सग्रेशिया रिलीफ प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद ये जो फेंसिंग का मसला है इस पर भी आप DPR बना लीजिए, एग्जिम्स को लाइए,
है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल्स को, बाकी उनके साथ मशवरा करके इन पॉन्ड्स को जितना जल्द हो सके उनको जल्द से जल्द फेंस की दद फेडन पे सर लैकस पीतन بس یوتھے مے خدا سند طرف گو مے دار یوتھے رچمت پولمت امس مطلب زنان زنان تمس مے دم تک مگر شوٹ سے پل ثلان مے بک وز وستان وت نندر چین چائے پہ درا دہ بج سکول اور ساڑھے دہ پہ کرن چی چائے وتھ تو دروس پہ آ بجے اور چھس بت کھمن نا چھس کی پورمت پہ آ نین ٹوٹ اخ سی ٹوٹ اخ رود امس یتی پہ ووت سرس پہ پہ نا چھ پائی کہ یہ کت پہ گو امس نہ دت کس دکن امس کنس ستیا نس ست اس بوے یہ مسافر بے سہارا اس نا چھ امس بغیر کہین تین اس ونان یہ کہ اس گھس کی نش زمین زراعت اس غریب اس دپا یہ گو تو گو کیا سان خطر اس ات من ونان یہ کیا گو اس پتھر پہ اس تو پڑھان اس فسٹس فسٹ ڈوجن اس پرس نمبر اہن امداد امس نسا پھر مول سہس بچور کہین کر سہ گوت بچور ہائے تو ضائع کہ پھیرا کمرے پہ کمرے رات پہ چھس نہیں کھیت مہربانی کرمس کرو کہ ہیلف ست تھمبائے پن پنہ پان چھس بیس نا کہین تین زنان کرس اس اکوئی بچہ اس یہ گوس خدایا سوال وچس نا کہین تین بچیس سہ پھیرا ہلکل سی پہ دہس تو یہ کمرے میں دوران کہین امس کرو مہربانی کرت کہ ہیلف مس مزور دہس لائق مس اللهم في الكافة المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولقبائلنا ولعشائرنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين مع الأبرار اللهم بلغ منا صراط سورة الفاتحة بالإخلاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له